Hey guys, welcome back channel. आप सब कैसे? Hope आप सब अच्छे होंगे, safe होंगे। और आज का वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। एक्चुअली मेरा लास्ट वीडियो जो था हेडसेप का वीडियो, वो बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आया, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे सजेशन भी आए, तो उनमें से कुछ सजेशन ये था कि मैं अपना फेस सेव करूँ। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और मैं सोची कि ट्राई करना चाहिए, पर चलिए देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं ट्राई की गई, तो उसके बाद मैं डिसाइड की कि नहीं, जैसे हम लोग लड़कियाँ जैसे सेव करते हैं वैसे ही मैं सेव करूँगी। और लड़कों वाला बिल्कुल ट्राई मत करना, गलती से भी मत करना, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस है, कहीं फेस में लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं मतलब सोची ट्राई करूँगी पर मुझे हिम्मत नहीं हुआ, मैं इसीलिए आधे में इसको रोक ली। और मैं जैसे करती हूँ नॉर्मली, मैं जैसे करती हूँ वैसे ही करूँगी। आज का वीडियो मेरा फेस सेव का होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई की उसको लगा के, सेविंग करने का हिम्मत ही नहीं हुआ मुझे। एग्जैक्टली मुझे, मैं बस जैसे फॉर्म उसको लगाई, वो सेविंग क्रीम, उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे डर, इतना भयंकर डर लगने लगा कि मैं सोची नहीं, मुझे, मैं जैसे करती हूँ वैसे करूँगी। तो मैं कैसे क्या करती हूँ, मेरे थोड़ा सा मतलब ग्रोथ ज़्यादा है हेयर का, तो मैं यहाँ पे और ऐसे अपर लिप में वो सारा क्लीन करती हूँ। नॉर्मली मैं सब क्लीन करती हूँ, तो मैं वही करूँगी। तो पहले मैं एलोवेरा जेल इसको लगाऊँगी, उसके बाद हम लोग, ये है मेरा रेजर, तो इसको यूज कर, कुछ इस तरह है उसका रेजर, इसमें कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो ये मैं यूज करूंगी। तो पहले हम एलोवेरा लगा लेती हूँ मैं। तो एलोवेरा मैं लगा रही हूँ, और एलोवेरा का बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली भी एलोवेरा लगाती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जो आपके फेस को हमेशा हेल्दी रखेगा, कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। और सबसे अच्छा, कुछ भी अगर जो पोल्यूशन की वजह से हम लोग हमारे फेस में कुछ कुछ निकलता है, उसको भी वो रिड्यूस करता है और बहुत हेल्दी रखता है। हर रोज़ एलोवेरा लगाना ही चाहिए। तो मैंने अच्छे से एलोवेरा अपने फेस पर लगा लिया है, तो अभी हम लोग सेव करेंगे। फेस सेव का कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको हमेशा ख्याल रखना ही चाहिए। पहला तो आपको स्मूथली करना है, और सेकंड कि जिस तरफ से आपका हेयर ग्रोथ है उसी तरफ से ही आपको सेव करना है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन से बिल्कुल भी नहीं करना है। ना तो आपको हो सकता है कि रैसेस हो जाएंगे, कुछ जो आते हैं पिंपल्स, छोटे छोटे पिंपल्स वो भी आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा देखना है कि किधर से बाल आपका निकला हुआ है, अगर उसी डायरेक्शन में ही आपको उसको सेव करना है। फेस सेव करने का मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी साथ में है, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब भी वीकली दो बार तीन बार आप फेस सेव कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का फेस में उसका अलग ही रहता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि हम हमेशा उसको सेव नहीं कर सकते। हाँ, लड़के हर रोज़ अपना फेस को सेव कर सकते हैं, पर लड़कियाँ नहीं कर सकती है। मंथ में एक दो बार कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अच्छा इसलिए है कि जब हम बाल को मतलब सेव करते हैं, तो वो हम लोग का जो डेड स्किन है वो निकल जाता है, तो वो भी अच्छा है, फेस क्लीन लगता है, क्लियर लगता है, तो वो करना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, तो मैं हमेशा करती हूँ, मंथ में एक बार, मैक्स टू मैक्स दो बार, मैं उससे ज़्यादा कभी भी नहीं करती हूँ, और उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है कि मुझे वीकली एक बार करना पड़े, वैसे ग्रोथ नहीं है, तो मेरा एक बार में काफ़ी हो जाता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने कमेंट किया तभी मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक यू कि इतना अप्रिसिएशन मुझे मिला। एक्चुअली मैं काफ़ी एक डेढ़ साल से वीडियो बना रही, पर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कभी नहीं मिला, तो थैंक यू सो मच। इतना सारा व्यू और इतना, और आप लोगों का कमेंट्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो आगे भी प्लीज़ कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी वीडियो डालने की। और मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है सेविंग, क्योंकि देखिए मेरा और बाल ज़्यादा निकल नहीं रहा है, बस छोटे छोटे बाल है, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है और ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे, मुझे लग रहा है मेरा सारा क्लीन हो चुका है। मैं थोड़ा सा पास से देख ले रही हूँ, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा है मैं वहीं से भी क्लीन करूँगी। अभी मेरा फोरहेड में थोड़ा सा मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे आईब्रो का ज़रूरत नहीं है, तो मैं फोरहेड का थोड़ा सा कर लूँगी। Thank you.
सो गाइज मैंने पूरा क्लीन कर लिया अपना फेस, आप देख सकते हैं मेरे फेस में और बिल्कुल भी हेयर नहीं है, सब कुछ क्लीन हो गया है। नॉर्मली मेरा हेयर यहाँ पे ही निकलता है तो मैं यहीं पे ही ज़्यादा करती हूँ और फोरहेड में थोड़ा सा, तो अभी मैं थ्रेडिंग की हुई हूँ तो इसलिए मैं आईब्रो नहीं की, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो उसको अच्छे से बढ़ेगा तो मैं उसको थ्रेडिंग करूँगी। कभी कभी होता है ना मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ तो उस टाइम में मैं रेज़र यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मैं खुद से ही थ्रेडिंग करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, खुद से करने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, तो मैं कभी अगर बहुत जल्दी में रहती हूँ तो मैं ये जो हेयर रेजर इसी को भी यूज़ कर लेती हूँ आईब्रो शेप करने के लिए, तो कभी कभी वो टाइम के हिसाब से करती हूँ। तो आज मेरा आईब्रो ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो मैं ये की नहीं हूँ, अगर होगा तो ज़रूर पहले बाद में भी वीडियो बनाऊँगी इस बारे में, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे बताएं। तो ये वीडियो शूट करने में मेरी बहन हेल्प की हुई है और वो बहुत अच्छा ही वीडियोज़ बनाती है, तो आप चाहे तो उसका अकाउंट व्यू कर सकते हैं, मैं उसका चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो उसका अकाउंट विजिट कर सकते हैं। तो बस, और ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम आप फेस सेव करो, किसी ने तो मुझे ये कहा कि आप अपना बाल सेव कर लो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है, मैं अपना बाल कैसे सेव कर सकती हूँ, मतलब एक लड़की कैसे अपना बाल सेव, हाँ अगर कोई मन्नत वन्नत है तो वो अलग बात है, पर बाल कैसे सेव कर सकती है, हाँ खूबसूरत लगे नहीं लगे वो अलग बात है, पर सीरियसली मैं तो कभी ये कर नहीं सकती। आई एम सॉरी गाइस, आप लोग जितना भी कमेंट कर लो ये कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, मैं अपना बाल कभी सेव नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरे बाल जितने भी है, थोड़े हैं जितने भी है, मुझे बहुत पसंद है तो मैं कभी वो कर नहीं सकती। पर आप लोगों ने मुझे ये भी सजेस्ट किया था कि आप थ्रेडिंग का वीडियो डालने के लिए, तो मैं ज़रूर डालूँगी, मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर मैं ज़रूर डालूँगी, और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड था कि फेस सेव का, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।